भाई चैनल पे लग गया मंत्री पिछवा वारियन देखा भाई ना भाई ना 15-20 आदमी आओ जनाजा परिवार के और आज भैया आ गए ना किसान के देखते हैं बच्चा किसान हाथ लगाओ सब तीन के बाद मंत्री अब क्यों ना चला कौन बोला तीन सब बात उन्हें मतलब नहीं अंजिम से चला भाई लोग क्या होगा भाई जो कुछ लेना देना हुई तो आए के मिल लिए डंडा मट्टी देवे बात हमने कॉल लगाया 15-20 बार लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। उस समय मैं अपना मोबाइल फोड़ दिया, मोबाइल अपना भी फोड़ दिया। फिर उसके बाद जब मैं भाई को जिला अस्पताल लेके पहुंचा, हमारी बहन लोगों ने पहुंचा, तो फिर मैं भी पहुंचा वहां पे। उस समय कोई भी प्रशासन वहां मौजूद नहीं था, सिर्फ हम और एक हमारे चचा का लड़का, एक खाला का लड़का। पूरी रात गुजरे क्योंकि अपराधी देखिए पकड़ा भी नहीं गया और प्रशासन हमारे साथ वहाँ मौजूद भी नहीं था। जिसमें हमने 112 नंबर पे कॉल किया तो 112 नंबर जब पुलिस प्रशासन आई उसके बाद 2-5 मिनट रुकी, उसके बाद वो चली गई। लगभग 10 उस बजे आई, उसके बाद चली गई। फिर मैं सुबह उठने के बाद भी कॉल लगाया, कॉल रिसीव नहीं हो रहा है SP साहब का। फिर हमने क्या किया, IG साहब को कॉल किया। जब IG साहब को कॉल किया तो फिर उसके बाद पुलिस आई है। पुलिस कब आई है, 12 बजे आई है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि भाई की पोस्टमार्टम के लिए तैयारी करने लगी। अगर ऐसे ही चलता रहे तो क्या होगा, न्याय हमको चाहिए, न्याय ये ऐसा चाहिए कि अब तक गिरफ्तार भी नहीं हुए वो लोग। गिरफ्तारी मान लीजिए चल रही है लेकिन हमें न्याय ऐसे नहीं कुछ होगा। अगर न्याय दिखाना होगा या फिर सबके लिए बुलडोजर जब बना है तो बुलडोजर उन लोगों के घर पे क्यों नहीं चल रहा है। 24-48 घंटे हो गए हैं अब तक कोई कार्रवाई के कैसे मैं कह सकता हूँ कि मेरी कार्रवाई हो रही है। मामले जो अगर कहा जाए तो उसमें जो घटना में शामिल हमारे पिताजी को जो मारा मुजरिम, वो भी वो तो मौके पे खड़ा होकर के उन्होंने आदेश किया, उसके बाद इन्होंने गोली चलाया। उसके बाद अब ये मामला अब यहाँ तक भी आ रहा है कि जो हमारा बयान दे रहे हैं, जो गवाही दे रहे हैं, उनको भी धमकी दिया जा रहा है।
और जो हमारे भाई की शादी हुई उसके दो छोटे बच्चे उनको उनकी देखभाल कौन करेगा और हमारी सुरक्षा कौन करेगा? दो दो बार मेरी जान बची है, अब तक क्या कार्रवाई हो रही है? मांग को लेकर आप लोग अड़े थे अभी तक दफन नहीं किए थे, किस क्या मांग थी? मांग साहब हमारी ये हुई थी कि एसपी साहब यहाँ आए, कल से लेकर के परसों तक अभी तक उनसे हमसे हमारी बात नहीं हुई, हमने कॉल लगाया जैसा कि बताया कि फोन नहीं लगा, मोबाइल तोड़ दिया हमने। मैं ये कहना चाह रहा था उनके सामने बात मैं अपनी ये रखना चाह रहा था कि अगर उनको पकड़ा नहीं जा रहा है, 24 से 48 घंटे हो गए, क्यों ना उनका घर गिराया जाए। मेरा आशा ये है कि जब सबका सबके लिए बुलडोजर बना है सबका घर गिराने के लिए, तो उन लोगों का घर क्यों नहीं गिराया जा रहा है? अब तक कुछ नहीं मिला। उसके बाद हमारे थाने सराय ख्वाजा से जैसा कि इंस्पेक्टर साहब आए बात किया उन्होंने कि इस पे मैंने बात किया और बात भी करवाया, साहब ने कहा कि जैसा है कि आप मिट्टी दे दीजिए उसके बाद हम साहब से बात करें, आपसे बात करवा दे रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि यहाँ आए लेकिन चाहा उन्होंने ऐसा, तो बात माननी पड़ी, बात इसलिए हमने मान लिया। अब उन्होंने अपने बातों को रख दिया तो हमने कहा कि रख देते, लेकिन हमारी बात दिल की नहीं हुई, दिल की मेरी बात और मीडिया के भी सामने है, लोगों के सामने है, जनता के भी सामने है कि मेरी बात यही होनी चाहिए कि उनका घर गिरना चाहिए अगर गिरफ्तारी वो नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि 24 से 48 घंटे हो गए अब तक हमारा कोई कार्रवाई या फिर हमें कोई अभी तक कोई निश्चय नहीं करवा सके। सरकार से मांग सब यही है, गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो उनका घर गिराया जाए और हमारी सुरक्षा की जाए। जी हमने लिखित भी दिया जिनमें नाम भी दिया, हम जैसा कि नाम भी बता दिया, मिंटू यादव, अनुज यादव, जितेंद्र यादव। इससे पहले भी अपराधी कुछ किया? जी मिंटू भाई बता सकता हूँ कि जैसा कि मिंटू यादव इन्होंने भी ऑलरेडी 302 का मुजरी में हत्या किया है। इन लोगों का असलाह सप्लायर और दिन दहाड़े अगर गोली चलाना छोटी बात नहीं है, क्योंकि पहले से इस मामले में हमने पहले राजेश कुमार शुक्ला जो कि थाना सराय ख्वाजा में पिछले जो हमारे पिताजी की हत्या हुई थी जिसमें हमने ये भी नाम बताया कि मिंटू यादव ने ही असलाह उनको दिया, पूरी तरह से बात को पता चल गया था, अरमान ने बता भी दिया था कि असलाह इन्होंने दिया है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई तब भी नहीं हुई थी। आज ये अगर कार्रवाई हुई थी आज ये घटना देखने को नहीं मिली थी। 30 तारीख को उन्हीं लोगों ने और वही व्यक्ति ने और वही सब लोगों ने मिलकर के हमारे भाई की हत्या कर दी। जी हमारे जान का हर कदम पर खतरा है, हमें अब हमारे सुरक्षा की जाए और हमारी कार्रवाई की जाए, हम यही चाहते हैं। हमारा नाम अब्दुल रहीम है, वो हमारे भाई है।